खबर आदर्श नगर से। आदर्श नगर विधानसभा के आदर्श नगर इलाके में आज स्वर्गीय जनरल विपिन रावत के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया। इस स्कूल को करीब 2.5 करोड़ की लागत से बनाया गया है और इसे स्वर्गीय जनरल विपिन रावत के नाम से जाना जाएगा। स्थानीय निगम पार्षद गरिमा गुप्ता ने कहा कि आज आदर्श नगर सुभाष पार्क के पास बने स्कूल का नाम स्वर्गीय जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को काफी सुविधाएं दी जाएंगी और इसके साथ ही स्थानीय निगम पार्षद गरिमा गुप्ता ने कहा कि आज मैं क्षेत्र के लोगों को बहुत ही बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी। जिस स्कूल की इमारत जर्जर और बदहाल हो चुकी थी उसको अब नगर निगम ने दोबारा से बनवा कर तैयार कर दिया है, जिसकी लागत करीब 2.5 करोड़ रुपए आई है। उन्होंने कहा कि इस स्कूल का नाम जनरल विपिन रावत कर दिया गया है ताकि देशभक्ति की भावना वहाँ विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर शुरू से डाली जा सके। उन्होंने कहा कि आज जनरल विपिन रावत को क्षेत्रीय लोगों ने भी बहुत याद किया। ये एक MCD की पहली पहल है जो हमारे MCD के स्कूल हैं उनको वर्ल्ड क्लास से भी बेस्ट बनाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है और इस पे काम कर रही है। सभी स्कूलों को रिमॉडल किया जाएगा और कुछ और नए स्कूल खोले जाएंगे, उसमें भारतीय संस्कृति के अनुसार सब काम होंगे। विदेशों में भी रहे हैं तो भारत और विदेशों की शिक्षा में क्या फर्क देखते हैं? देखिए, जो आपका क्वेश्चन है, हमारे प्राचीन जो सभ्यता थी उससे बढ़िया कोई शिक्षा हो ही नहीं सकती। मेरे पास पहले विदेश विभाग का काम था, शिक्षा का काम था, उन सब चीज़ों को देखते हुए ये महसूस हुआ कि हमारी जो प्राचीन सभ्यता है उससे बढ़ के कोई एजुकेशन किसी वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि ये जो कार्य है जो कि 2.5 करोड़ की लागत से हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो पूरा स्कूल है इसकी जो स्थिति थी, कंडीशन थी, बहुत ख़राब थी और इस पूरी बिल्डिंग में अंदर भी काम हुआ है, रेनोवेट हुई है और ये जो हॉल है ये पहले बहुत ही जर्जर हालत में था तो इसको भी हमने बहुत अच्छे से बनाया गया है और आज जो इसका नामकरण रखा गया है जनरल विपिन रावत जी के नाम पे, तो ये सभी के लिए प्रेरणा है। आज जब उनका जब निधन हुआ है तो सब पूरे देश ने उनको याद किया इसीलिए और सबके मन में जनरल विपिन रावत जी के लिए जो एक श्रद्धा है तो उस पर हमें उसीलिए हमने उनको श्रद्धांजलि दी है और आज इस हॉल का नाम उनके नाम पे रखा गया। मैम, ये बिल्डिंग क्या जर्जर हालत में थी, इसके तोड़ के बनाया गया कि उसी पे रिपेयरिंग किया गया? ये रेनोवेट हुआ है, रेनोवेट और रिपेयर हुआ है, सारा काम रेनोवेशन का और रिपेयरमेंट का ही हुआ है। मैम, आज दो कार्य हुए, एक तो लाइब्रेरी का भी जो आज यहाँ पे खोली गई है और नामकरण भी हुआ है, तो कार्य एक होते हैं लेकिन दो अच्छे कार्य हुए, तो इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, कार्य तो अच्छे ही होने चाहिए और हमारा भी यही लक्ष्य है कि जो अपना मेरा क्षेत्र है वहाँ पे लोगों को सारी सुविधाएं मिले, तो इसी लक्ष्य के साथ हम पूरी तरह काम कर रहे हैं। बीच में कोरोना का समय आ गया था, 2 साल सब कुछ बंद हो गया था, तो जिसकी वजह से काम में थोड़ी धीमी गति आ गई थी। मैम, सुविधा की बात करिए, नगर निगम चुनाव बहुत ही नज़दीक है, सभागार काम किया गया है, उधर लाइब्रेरी खोली गई है, इस समय ये काम करे गए हैं, ये सच में जन कल्याण है या कुछ मतलब राजनीति की तैयारी है? ये राजनीति नहीं है, ये जन कल्याण का है। देखिए, आगे क्या होगा इलेक्शन में मुझे भी नहीं पता, तो उस सबको विचार में न रखते हुए मेरा सिर्फ जो मोटिव है वो लोगों की सेवा करना है, समाज की सेवा करना है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्य किए गए हैं।